हाय गाइस, आरजी जियर, वेलकम टू माय चैनल आरजी टू आरटी कंस्ट्रक्शन। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करते हैं कि बॉडी के बारे में। बॉडी अगर खुदवाना चाह रहे हैं तो उसके पहले क्या प्रोसेस होता है, उसी के बारे में बात करते हैं। तो ये जो देख रहे हो आप बॉडी, ये 4.5x4.5 अंदर का अंदर फेस है, 3.5x4.5, और इसका जो वाल बना हुआ है वो लाल पत्थर से बनाया गया है। तो 14 इंच की जो वाल बनती है लाल पत्थर में, डबल पन्ना, दोनों साइड पत्थर आता है, डबल पन्ने का जो 14 इंच का वाल बनता है। तो अंदर का अंदर आपको जो अंदर का अंदर साइज है 4.5x3.5 का है, वैसे लंबे में 4.5 है और चौड़े में जो है 3.5 फीट है। गाइस, बॉडी खोदने से पहले जो है उसका डीप पहले लेके वाल बनाना पड़ता है आपको। तो ये जो है इसका डीप जो है मतलब गहरा है, 10 फीट का है। तो 10 फीट के ऊपर वाल बनाया गया है, उसके बाद जो है इसका खुदाई चालू होती है बॉडी का। तो पहले जो है आपको ये वाल बना के इसको प्लास्टर कर लेना होता है अंदर साइड से, वाटर प्रूफिंग, लीकेज ना होनी चाहिए। मतलब बाहर साइड से कोई अगर पानी वानी आ रहा है बॉडी के बाहर से वाल में, मतलब घर में कुछ पानी जाके अंदर नीचे अगर कच्चा पकड़ रहा भी तो अंदर बॉडी के अंदर जो है वो पानी नहीं आना चाहिए, इसलिए ये वाटर प्रूफिंग करते हैं इससे। तो ये वाल बनाने के बाद, 14 इंच का वाल बनाने के बाद आपका डीप जो है वो हिसाब से वाल खड़ी कर लेके उसमें जो है प्लास्टर करना पड़ता है आपको। तो प्लास्टर करने के बाद जो है सीमेंट से सिबारा, मतलब जो सीमेंट का बंड लेके इसको सिबारा करना पड़ता है। तो वाटर प्रूफिंग इसमें डालिएगा ज़रूर, वाटर प्रूफ के लिए डॉक्टर फिक्सिट है और कुछ आपकी जो मर्जी से वो ले सकते हो, यूज़ कर सकते हैं। तो वो लेके जो है वाटर प्रूफिंग करना पड़ता है इसको टोटली, मतलब लीकेज नहीं होनी चाहिए अंदर साइड। देख सकते हो आप, ये जो सीमेंट से पूरा साफ किया गया है। प्लास्टर करने के बाद वो जब का जब उसी दिन करना पड़ता है, टोटली एक ही दिन में प्लास्टर करके जो है वाटर प्रूफिंग करने के लिए वन सीमेंट का पानी का वन मिला के जो है सिबारा करके उसको फिनिशिंग अच्छे से फिनिशिंग कर लेना चाहिए, कहीं क्योंकि कहीं से भी जो लीकेज ना हो। तो फ्यूचर में क्या होता है कि अगर बाहर साइड आपका जो इधर साइड में कहीं पर भी अगर पानी कच्चा पकड़ रहा, कुछ पानी अगर नीचे उतर रहा है आपके टाइल्स के अंदर, तो भी वो बॉडी में ना लीकेज जो, मतलब इधर का जो गंदा पानी जो है बॉडी में लीकेज नहीं होने की वजह से जो भी अंदर साइड से जो है सिबारा करना, बहुत वाटर प्रूफिंग मतलब लीकेज नहीं होना चाहिए अंदर साइड में, तो इसीलिए जो है सिबारा करना पड़ता है। तो ये सब प्रोसेस करने के बाद जो है आपका बॉडी खोदने का चालू करना चाहिए। तो इसका साइज़ जो है अंदर का अंदर 3.5x4.5 है, बढ़िया साइज है, मतलब करेक्ट साइज़ है, इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम हुआ तो भी खोदने में परेशानी होती है। तो ये साइज़ एग्जैक्ट साइज अच्छा है। तो बोरवेल के बजाय आप अगर ये बॉडी खुदवाना चाहते हो तो ये वीडियो आपको यूज़फुल रहेगा। तो खुदवाने से पहले जो है वाल बना लेके उसको वाटर प्रूफिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो यही था गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू।